गरम है गरम चाय तो गरम ही होगी ना कलीम क्या शरबत मंगाया है अगर आप बाइक से कम्यूट करते हो तो गर्मी के लिए मैं एक छोटी सी टिप्स देता हूँ ये जो बेसिकली कपड़ा है मैं सर पे और मुंह पे बांधता हूँ जब भी मैं हेलमेट पहनता हूँ तो कुछ इस तरह मैं अपना फेस कवर करता हूँ और इसके ऊपर पहनता हूँ मैं हेलमेट जो कि सब लोग ऑलमोस्ट यही करते हैं लेकिन व्हाट आई डू डिफरेंटली इज दैट मैं इसको थोड़ा डैम करता हूँ घर से निकलने के पहले और तब इसको पहनता हूँ इससे क्या होता है जब आप बाहर जाके बाइक चलाते हो तो हल्का हल्का ठंडा फील होता है पॉल्यूशन भी अच्छा खासा फिल्टर हो जाता है अगर आप गर्मियों में बाइक चलाते हो तो ये चीज़ एक बार आजमा के देखो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन मैं अभी बाहर ही निकल रहा हूँ और मैंने कुछ ज़्यादा इसको गीला कर दिया एसी में क्या स्टैनिस पहने की हेलमेट हेलमेट हैज टू बी बिग गुड क्वालिटी वन वेट 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 फॉर योर फेस फॉर योर हेड अब इतना खूबसूरत चेहरा है लड़की का खराब हो जाएगा तू सब कवर नहीं करेगी तो पहनना आता है ना आज हम लोग एक नए रास्ते से आए चेंबूर वीटी रोड बहुत ही अच्छा था खाली था ऑलमोस्ट है ना और ये देखो मैडम ये भाई क्या तूने कैमरे से वर्क करना छोड़ दिया क्या सिर्फ अभी आजकल अच्छा सही है बहुत अच्छी बात शानिस ने कैमरे से व्लॉग करना छोड़ दिया अभी फोन से ही व्लॉग करेगी ऑडियो क्वालिटी नहीं मिलेगी जो इसमें मिलती है मैडम ट्रू ट्रू तो शानिस मैडम कैसा लगा मुंबई में फुल बलकलावा हेलमेट हेलमेट पहन के घूमने के लिए वेरी सेफ मैं इसको बोला अभी से ऐसे घुमा करेंगे सेफ्टी इज नंबर वन प्रायोरिटी आल्सो टू रिमेंबर बिफोर काकू वेंट टू द यूएस मंडे व्हेन वी गोइंग ऑन द स्कूटी वो पत्थरा के लगा मेरे आईज हाँ, पे आई क्लोज माय आईज एक्चुअली एक बार क्या हुआ कि पत्थरा के तेरे आईज पे नहीं लगा पत्थरा के मेरे हेलमेट पे लगा जोर से टायर से हुआ था ट्रक का टायर गया फट ऐसे ठप और ठप होके बाउंस होके इसके आग के इधर इधर लगा जो भी है you know, you should wear helmet because yeah. ये जो खोपड़िया है ना इसको कुछ नहीं होना चाहिए बाकी किधर भी कुछ भी चलता है you agree ना तो अभी से हेलमेट पहनेगी हेलमेट दिलाया मैंने मैडम को तो पहना कर ठीक है देख कैमरे के सामने बोल रहा हूँ इट्स गुड टू वेयर यार इट्स गुड टू वेयर अभी कशिश भाई कुछ इंटरेस्टिंग आइटम बताओ मैं मैडम को बोल रहा था कि यार थोड़ी अलग लग रही है फिर नोटिस किया कि काजल नहीं लगाया है तो शी इज लुकिंग वे यंगर एंड ऑल्सो छोटी बना रही है स्कूल जाने का अरे एक मिनट अभी हो जाएगा बोरा बाजार जब भी आता हूँ ना ऐसा लगता है कि अपने एरिया में आ गया सब जानते हैं इधर अपने को अपना ही एरिया है अभी एक आ रहा है अपना सेमी वे बता ये वाला क्या बात है फैन पेज बना दिया थैंक यू भाई सो मच क्या नाम है चेतन नाइस वीडियो थैंक यू अशित भाई Chinese doesn't like mango. Like कमाल की बात है हिंदुस्तानी हो के उसको मैंगो जूस पसंद नहीं आप पहली बार आए हैं प्लीज कुछ पहली बार आए पहली बार आया है तुम नहीं वाइन स्ट्रॉबेरी पकड़ तो ये एक मिनट उधर देख सो दिस इज हाउ Chinese इज लुकिंग एंड मेरे पे कर ओह दिस इज परफेक्ट फॉर आउटडोर शूट यार यस लाइट नहीं रहती है तो है ना अच्छा वैसे उसको मार भी सकते किसी को अगर नहीं ये वो अपना स्टार वॉर्स का वार्म वाइट सेमी वे वनटा इधर आओ सेमी वनटा हाउ आर यू आई एम फाइन पे भाई बीमार है सिंग सॉन्ग या दिस इज सिंगर्स माइक सी वी आर फॉर क्रिएटर्स सी यू कैन फॉर फिल्म्स ब्रॉडकास्ट एंड म्यूजिक एंड मोर यू कैन सिंग विद दिस सो आई कैन एक्सप्लोर माय टैलेंट एज अ सिंगर By the way, Shanis is a very good singer. Last time जो recording की थी वो technique वो गंदी थी ठीक है तो अभी सीखेंगे ना अपन अभी production value बढ़ाएंगे ना अभी अपन
मैं एक्चुअली आज बोरा बाजार आया था मेरे A7R3 का ND फिल्टर लेने के लिए, लेकिन इसका जो ND फिल्टर है वो लेंस के अंदर फिट होता है ना कि बाहर फिट होता है, बट उसके बहाने बहुत सारी चीज ले ली, ऑलमोस्ट ये ट्राइपॉड लेते लेते रह गया, इतना छोटा सा ट्राइपॉड है लेकिन इतना खुलता है, ये लाइट ले ली जो कि मेरा जो घर है उसके साइड में लगेगा और कभी कभी आउटडोर शूट के लिए भी यूज होगी, और शानिस मैडम ने क्या लिया वो पर्दा वाला ना बैकड्रॉप स्टैंड IGTV शूट करने के लिए, बैकड्रॉप्स फॉर वीडियोस। ब्रेकिंग न्यूज, भाई के गाड़ी के नीचे आके मरा थानोस, ये कभी कभी मीम्स ना एकदम नेक्स्ट लेवल रहते हैं, मतलब कुछ भी थानोस को हमारे एवेंजर्स मारेंगे या गायब कर देंगे जो भी है। तो अभी मैं घर आ गया हूँ, अभी ये वाली लाइट को मैं लगाऊंगा उधर, लेकिन इसके लिए चाहिए एक ट्राईपॉड, तो आई कैन यूज माई मैन फ्रोटो, लेकिन थोड़ा महंगा वाला है, महंगा वाला ट्राईपॉड को साइड पर रखने के लिए यूज नहीं करते, तो आई एम गोना यूज दिस वन जो कि यहाँ पर कभी कभी वीडियो बनाता हूँ उसके लिए यूज होता है। तो भाई अभी तेरा काम यहाँ से खत्म हुआ, अभी तू जाएगा इस कोने में और अपन अभी ये वाली लाइट को अपन लगाएंगे इधर। पैकेजिंग देखो भाई, इधर का डब्बा लग रहा है, तो कसम अभी नया लाइट की बैंड बच जाती। तो अपन इसको बैटरी पे भी चला सकते हैं कुछ इस तरह, और चार्जिंग में भी चला सकते हैं अगर आपको एक फिक्स पोजीशन में रखना है। यहाँ पर प्लग नहीं है तो फिलहाल तो मैं बैटरी पे चलाऊंगा, टाइम टाइम पे इसको चार्ज करता रहूंगा, तो इसको कुछ यहाँ पर। तो ये ट्राइपॉड और लाइट को मैंने यहाँ पर डाल दिया है, अब इसको मैं चालू करूंगा, देखूंगा डिफरेंस कितना आता है। फिलहाल अभी 100% पे है, एज यू कैन सी मस्त अच्छा खासा डिफरेंस आया है। अभी डिफरेंस छोड़ो, कमेंट कर दो कैसा लगा आप लोगों को। भाई लोग आए घर पे, आज सैटरडे नाइट है, निशान ने बोला था मुझे जब तक एसी नहीं लगेगा मैं घर पे कदम नहीं रखूंगा, निशान भाई एसी लग गया है, वो कह रहे सेट लोग है तो भाई उन लोगों को थोड़ा सा बिना एसी के चलता नहीं करेंगे। क्या बोलते भाई, पिंक टी शर्ट में चमक रहे हो, थैंक यू, अरे वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे बर्थडे था भाई का, हैप्पी बर्थडे। और भाई ये अपना गली बॉय एडिडास, गली बॉय ओरिजिनल, विदाउट द लाइट वसीम इज लुकिंग लाइक दिस, एंड विद द लाइट वसीम इज लुकिंग लाइक दिस। कैमरा में इतना डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ट्रस्ट मी जमीन आसमान का डिफरेंस है। इसको एक्चुअली आउटडोर ट्राई करेंगे, वरना तो इसको यहीं कोने में रख दूंगा फॉर टाइम बीइंग। भाई अभी क्या प्लान है अपना, सैटरडे नाइट है तो इधर उधर भटक रहे हैं। पहले प्लान था काटस जाने का बैंड्रा में, लेकिन बाद में कांजुरमार्ग में जाके इडली खाई, अभी जा रहे हैं पवे हिरानंदनी में ज्वेल्स में चाय पीने। चाय पीएंगे, चाय 20 रुपए की चाय, वो भी चाय एनर्जी कम थे वो टाइम, एनर्जी हाई थी, अरे भाई टन जवाल के लिए चाय तो गर्म ही होगी ना, कलीम क्या शरबत मंगाया है रात के 3:30 बजे चाय पीने का मजा ही कुछ और है। एक पानी का बोतल दे प्लीज, थैंक यू। एंड यस, मेरा रूटीन की पूरी लेफ्ट एंड सेंटर हो चुकी है। चीयर्स गाइस फॉर द रूटीन। मेरी बराबर है, मैं सैटरडे नाइट में बस खाली करता हूं, पकड़ना पकड़ना बंद करने सबसे स्ट्रिक्ट मेरी रूटीन है। किसी की भी रूटीन अच्छी नहीं है भाई, सब लेट चुके लेट उठे हैं, अभी 2-4 दिन में कैसे भी करके बैक टू रूटीन आना पड़ेगा अपने को। बहुत लोग मुझे पूछ रहे हैं भाई यूट्यूब फैनफेस्ट दिल्ली शोकेस में हो कि नहीं हो, देखो भाई मैं नहीं होता तो यूट्यूब खुद अनाउंस करता, प्लान तो था कि यूट्यूब फैनफेस्ट दिल्ली में क्रैश इन कर लूंगा, आप लोगों को सरप्राइज दूंगा दिल्ली वालों को, लेकिन यार उस दिन मैं बहुत इंपॉर्टेंट शूट कर रहा हूँ, जो मैंने एड शूट किया था उसका डबिंग है और एक शूट है, सो अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाएगा। आई नो 3 दिन के लिए, लेकिन उसके तुरंत बाद मैं एक कंट्री के लिए निकल रहा हूँ, तो उसकी तैयारी भी करनी है, उसके रिलेटेड एक मीटिंग भी है, सो अनफॉर्चुनेटली क्रैशिंग करने का प्लान तो कैंसिल करना पड़ेगा। एंड एनीवेज गाइस, आज के लिए वीडियो बस इतना है, बिकॉज अभी मुझे कहीं निकलना है। सो इफ यू एंजॉयड दिस शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो, या ईशान का वो डायलॉग चाय मंगाए कलीम शरबत थोड़ी मंगाया गर्मी आएगी ना, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, नए हो सब्सक्राइब करो। सो विद दैट सेड, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एज ऑलवेज शुक्रान, अलविदा, मासलामा, टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट। My lovely friends, what I like about this light is that it gives you this golden hour effect, जो sunrise या sunset time पे होता है ना, बस इस पे एक थोड़ा butter paper डालना, because थोड़ी harsh light आ रही है। Anyways, I'll see you tomorrow. Bye bye. Inspire, I'm here to take your call, new soul.